एनएसपी एसपी का स्वागत है। जो लोग एफ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उसमें मटेरियल की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आज हम लोग मटेरियल के बारे में बात करने वाले हैं। डायरेक्ट शीट की बात करते हैं। जो भी शीट आप यूज कर रहे हो, सीट जो यूज करो वो कॉटेज सीट की यूज करो। कॉटेज सीट आपके स्टील लाइफ वर्क बनाने के लिए, कॉम्पोजिशन वर्क करने के लिए, ह्यूमन फिगर का जो कॉम्पोजिशन करना हो, चाहे त्योहारों का या किसी भी तरह का जो चित्र करना हो कलर वर्क में, तो आप लोग इसको यूज करेंगे। और ये साइज जो है A3 साइज में करना, क्योंकि A3 साइज पर एग्जाम में आपके आते हैं। और साथ ही साथ याद रखना कि जो भी वर्क करना, जैसे स्टील लाइन वर्क करना है, आपको स्टील लाइन के लिए जो पेंसिल यूज होगी वो 2B, 2B, 4B, 6B, 8B, चार पेंसिल यूज करोगे। और पेंसिल सबसे बेस्ट इसमें प्रेजेंट टाइम में आ रही है, और अभी कौन सा आपका आ रहा है, क्या 8 लाइन की पेंसिल आ रही है जो यूज कर सकते हो। और जब भी ह्यूमन फेस से आप स्केच ड्रॉ कर रहे हो, डेली कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, तो आप स्केच पेपर का यूज करो जो इस तरह के मार्केट में अवेलेबल मिल जाते हैं, तो आप इसको जरूर करो। साथ ही साथ यदि आप लोग किसी का व्यक्ति को पोर्ट्रेट बनाने में ज्यादा शौकीन हो तो चारकोल पेंसिल यूज करो, ये ज्यादा बेस्ट होता है। क्योंकि जब भी हम कलर करते हैं, मतलब कलर करते हैं, तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन शेडिंग करने में बहुत इंटरेस्ट ज्यादा है, तो आप चारकोल यूज कर सकते हो। इसमें हार्ड लाइट, सॉफ्ट लाइट और मीडियम लाइट, तमाम तरह के शेड आते जाता है, और जो वर्क करते हैं वो रियलिस्टिक वर्क होता है, ठीक है। और आर्टिस्ट वाटर कलर की हम बात करते हैं, यदि कलर की बात करते हैं तो बहुत सारे तमाम तरह यूज करते हैं, लेकिन शायरिंग के मामले में बेहतरीन कलर कहा जाता है तो आर्टिस्ट वाटर कलर कहता है। तो आर्टिस्ट कलर का ये कलर आप यूज कर सकते हो, जिसमें बारह तरह के शेड आपको मिलते हैं जिसको आप यूज कर सकते हो, तो आप इसकी जरूर यूज कर सकते हो। साथ ही साथ हाँ, जो भी कलर प्लेट की बात करते हैं, कलर प्लेट में जो है आप इस तरह का कलर आप यूज कर सकते हो, जो है कलर प्लेट सबसे बेस्ट हो सकता है, और इस तरह का प्लेट आप यूज करो ज्यादा अच्छा होगा। इरेजर में यदि यूज किया जाता है तो अप्सरा का यूज करो। अब कलर में कभी भी आप रगड़ के पेन कभी भी जो है टेक्सचर मत खराब करो, क्योंकि कभी भी इस हाईलाइट को उठाना हो तो टेक्सचर को जो है मतलब हाईलाइट को पुश करो, थोड़ा सा उठा लो, हो जाना है जो है। और जब भी आप ट्रेवल कर रहे हो तो आप स्केच या कंपोजिशन बनाना हो तो आप इस छोटी सी आप अपने पास डायरी रखो अपने पास, ताकि आप कभी भी कोई भी स्केच या कंपोजिशन ड्रॉ कर सको। यदि आप कोई भी वर्क जो है फास्ट जल्दी वर्क करना है, किसी का पोर्ट्रेट बनाना है, या फिर आप कंपोजिशन जल्दी रेडी करना है, या मान लीजिए स्टील लाइफ को वाटर कलर में करना चाहते हैं लेकिन बहुत कम समय आपके पास है, तो सॉफ्ट पेंसिल यूज करो तो आप ज़्यादा बेटर हो सकता है। सॉफ्ट पेंसिल आता है जिसमें 20% का शेड आता है। इसमें खासियत क्या हो जाती है, इसको ये चौक की तरह होता है, ये जो होता है वो चौक की तरह होता है, और इसके जो मटेरियल्स होते हैं और ये फास्टली हो जाते हैं, जो भी कलर टोन देते हो वो काफ़ी लाइटली होता है और काफ़ी प्रभावशाली दिखता है वर्क में, तो आप सॉफ्ट पेंसिल यूज कर सकते हो। और मित्रों, जब आप वाटर कलर करते हो तो जब भी करते हो तो आपके पास पानी होता है, जब पानी ब्रश को बार बार धोने लग जाते हो तो जो कलर में अलग अलग टोन बन जाता है। जब भी अलग कलर करना चाहते हो, जब फिनिशिंग कलर चाहते हो, साफ कलर करना चाहते हो, या कलर का टोन अलग करना हो, तो आप रुमाल से आप स्कूल से साफ कर सकते हो, ये बेस्ट तरीका हो सकता है, तो आप ऐसे यूज कर पाओगे। और हाँ, ऐसी साइड का आपके पास ऐसा बोर्ड हो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इस तरह का बोर्ड आप यूज करोगे तो बेस्ट है, क्योंकि बिना बोर्ड के सहारे आप किसी भी कॉपी पर आप रख कर बनाते हो ये सही तरीका नहीं है। कभी भी आपके पास जो बोर्ड है, बोर्ड पर रख कर अपना वर्क करो, और A3 साइज का ही आप यूज करो, ज़्यादा बेस्ट है। और हमेशा जो भी आप लोग वर्क करते हो, तो मित्रों मैं हमेशा कहना चाहूँगा कि आप अपने वर्क पर हमेशा डेट डाला करो, क्योंकि डेट ये बताता है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे होते हो तो डेट की वजह से हमें क्लियर हो पाता है कि वर्क कब का है और कितना संशोधन हुआ है। और वर्क को सुरक्षित करने के लिए आप इस तरह का जो है ऐसा जो है आप चीज़ें रख सकते हो, जिसकी वजह से आप अपना जो भी पेंटिंग वर्क है, जो भी आपने स्टील वर्क किया है, उसको केयर कर सकते हो। क्योंकि जितना ही ज़्यादा आप अपने पेंटिंग का, अपने आर्ट वर्क का केयर करते हो, उतना ज़्यादा आप अपने ड्राइंग को इम्प्रूव करते हो। जब हम अपने ड्राइंग की इज्जत कम करते हैं तो ड्राइंग का वैल्यू बाद में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, फिर भी मोटिवेट जाते हैं, तो कभी कोई छोटी छोटी बातें हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से आप जो है क्लीन कर पाओगे, इस तरह से आप जो है एक परफेक्ट जो है आप इसका नोक तैयार कर पाओगे, ठीक है। तो जब भी आप करें इस तरह से आप इस तरह से नोक कर, ठीक है। तो आप इस तरह का मतलब नहीं है तो बात कोई बात नहीं है, क्योंकि तो इस तरह का आप अपनी ड्राइंग बुक इतनी बड़ी रखें, साइज में इतनी साइज का ही रखें, मैं आपको बताना चाहूँगा ये रहा। और साथ साथ में जो आप नॉलेज गेन कर रहे हो, तो आपकी जैसे न्यू ईयर की डायरी होती है ना, तो उसी तरह का पर डे का आप कनेक्शन बनाओ, जैसे हर दिन आप क्या नया सीख रहे हो, क्या लर्निंग कर रहे हो, तो क्या नहीं हो रहा है, तो सारा
है डेली साहब थ्योरी को नोट करना, क्योंकि आप जिस वर्ड के लिए काम कर रहे हो डेली आप जब तक काम नहीं करोगे, डेली आप नोट्स नहीं करोगे तब तक एक्टिव नहीं रहोगे। एक्टिव रहोगे तो इसलिए आप अपने डायरी यूज करो और डायरी पर हमेशा अपना जो है नोट्स बनाकर रखो और इस तरह की डायरी आप बनाकर रखो। और हमेशा याद रखो कि जब भी आप इस तरह का वर्क करते हो, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे ये वर्क किया गया है वाटर कलर, जब आप कर रहे होते हो तो इस तरह से आप जब करते हो तो ये कलर जो है कभी कभी जो है कलर की वजह से पेपर जो है टेढ़ा हो जाता है। कारण क्या होता है कि हम लोग इसको जो है किसी तरह बांधते नहीं है, तो बांधने के लिए आप मास्किंग टेप यूज करिएगा। जो है मास्किंग टेप जो होता है इम्पोर्टेंट होता है, तो मास्किंग टेप से क्या होता है कि जब आप कलर करेंगे तो जो पेपर में सिकुड़न होता है वो नहीं होता है, वो हमेशा बैलेंस में रहता है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कभी भी कंपोजिशन में हाईलाइट और डार्क लाइट को हमेशा विशेष ध्यान दीजिएगा। ये सारी महत्वपूर्ण बातें, हो सकता है कुछ ऐसी बातें हो जो आप लोगों को बतानी हो, जैसे कभी भी यदि आपकी ड्राइंग वीक हो, मैं तो मोस्टली वीक हूँ, तो आप कब कहते हैं कि तो जैसे मान लीजिए कलर करने में आपको दिक्कत आती है तो चाइनीज इंक से आउटलाइन कर लीजिए, ताकि आउटलाइन करने के बाद जो है कलर जो है आराम से हम भर पाते हैं, क्योंकि हर एक पोज का जो डायरेक्शन होता है, हर एक कलर का लेयर हम आउटलाइन में पता चला होता है, तो इससे आराम से हम कलर भर पाते हैं। तो आप कर सकते हो। और यदि दूसरा तरीका यह है कि जो कलर है, जो मान लीजिए कि हाथ का जो कलर है, शेड कलर है, उसी कलर के आउटलाइन कर सकते हैं, और जहां पर जिस ब्रश का प्रयोग हो वही ब्रश यूज करिए, क्योंकि बहुत सारे मिस्टेक ये करते हैं कि एक ही ब्रश को बार बार एक दो ब्रश को ही यूज करके पूरा ड्राइंग समाप्त कर लेते हैं। ऐसा कभी नहीं करना। जहां पर पतले ब्रश की जरूरत है वहां पतला ब्रश कीजिए, जहां मोटे ब्रश की जरूरत है वहां मोटा ब्रश कीजिए, हर तरह का ब्रशों का प्रयोग कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। और ब्रश में सबसे बेहतरीन ब्रश जब यूज करेंगे वो सुनाई का ब्रश होता है, सुनाई का ब्रश बेस्ट होता है, आप उसका यूज करिए, क्योंकि इसकी जो कलर उठाने का जो होता है और जो कलर किया जाता है, जो उसका टोन जब लगता है तो वो काफी अच्छे तरीके से लगता है। तो आप इस तरह का जो है ब्रश आप यूज करिए, क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट है। इस जितनी भी सारी मेटेरियल मैंने आपको कवर बताया है, कॉटन सीगर स्केच से आप ये आर्ट मेटेरियल मैंने जो बताया है, जो भी वर्क कर आप इसका उपयोग कर सकते हो। यदि आप लोग तैयारी कर रहे हो या आप एक अच्छा ड्राइंग करना चाहते हो, पॉपुलर चीज़ों पर आप बेहतर बनना चाहते हो, अपनी ड्राइंग के क्षेत्र में बनना चाहते हो, तो कर सकते हो। और इस सब चीज़ को यूज करके हमेशा याद रखना कि जब तक हम कोई अच्छी मेटेरियल यूज नहीं करेंगे तब तक हम अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा काम करने के लिए जरूरी है कि आप अच्छा मेटेरियल यूज करो। इसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपके मन में जिज्ञासा है और जिस तरह का भी मन में सवाल हो, वो सवालों को आप हमारे जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और अच्छा लगे तो